जी सिद्धि सिद्धि नहीं सिद्धि नहीं सिद्धि तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही सिद्धि नहीं सिद्धि रुक जाओ प्लीज रुक जाओ गलती मुझसे हुई है सिद्धि रुक जाओ सिद्धि नहीं सिद्धि ऐसे मत करो सिद्धि सिद्धि नहीं प्लीज सिद्धि नहीं सिद्धि मिस्टर विनायक कुंद्रा आप एक बात जान लीजिए दर्द का इलाज दर्द नहीं होता जितना दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो उससे मेरा वो दर्द कम नहीं हो जाएगा जो तुमने मुझे दिया है सिद्धि आज इन कांच के टुकड़ों पर तुम चल रहे हो मैं उस दिन चली थी जब मेरे होते हुए तुमने किसी और से शादी कर ली थी जब मेरे पति की सुहागरात की सेज किसी और लड़की के लिए सजी थी और मैं अच्छा तो ये दूसरे औरत का मामला है तभी मैं सोचूं ये सिद्धि वापस क्यों आ गई पर अब तो बेचारा विन माफी मांग रहा है ना सिद्धि को उसे माफ कर देना चाहिए विनायक तुम अगर मेरे गले से मंगलसूत्र नोचने से पहले एक सेकंड के लिए भी रुक जाते ना तो आज तुम अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रुक जाती लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हारा मेरे गले से मंगलसूत्र नोचना हमारे रिश्ते को खत्म करने की शुरुआत थी सिद्धि में और शुरुआत तुमने की लेकिन इसे खत्म मैं करूंगी नहीं सिद्धि में मेरी बात सुनो सिद्धि 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 मेरी बात सुनो सिद्धि मेरी बात सुनो ना सिद्धि एक बार रुक जाओ सिद्धि प्लीज एक मिनट के लिए रुक जाओ सिद्धि सिद्धि मेरी बात सुनो प्लीज सिद्धि 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 मेरी बात सुनो ना सिद्धि 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 मेरी बात सुनो सिद्धि मेरी बात सुनो प्लीज एक मिनट के लिए रुक जाओ सिद्धि जाने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है ये सब शंकर का किया तरह है लेकिन लेकिन तू चिंता मत कर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तुझे यहाँ से बाहर निकालने की ठीक है कोशिश नहीं मेरे को रिजल्ट चाहिए आप तो बहुत बड़ी जालसाज है ऊपर तक तो आपका कनेक्शन होगा अरे पैसे देके मामला रफा दफा काई को नहीं कर देती आप उर्वशी उर्वशी इतना आसान नहीं है मैं कोशिश में लगी हुई हूँ ना मेरे से बाहर नहीं बनाने की जरूरत नहीं है नहीं भी निकालेगी तो भी मैं मर नहीं जाएगी यहाँ पर बच्चे का सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है हेलो कमिश्नर साहब आप तुरंत उर्वशी को छुड़वाइए मैं तीन बार फोन कर चुकी हूँ आपको पहले अरे मंजरी जी मेरी शंकर से बात हुई है वो नहीं चाहते उर्वशी किसी भी कीमत जेल से बाहर आए शंकर शंकर शंकर
सब शंकर की चापलूसी में लगे हुए हैं। बस समझ गए, आपके बस में कुछ भी नहीं है। मैं पागल है जो अपना टाइम खोटी कर रही थी इधर। अब मैं कुछ करेगी। वैसे भी आप बहुत बहुत बुरा सलूक करते, मैं तो कैसे भी करके झेल लेगी, लेकिन इस बच्चे का मेरे को नहीं मालूम, इसका बचना तो मुश्किल है। बता रही हूँ मैं आपको। नहीं 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 उर्वशी, देख खबरदार जो दोबारा तूने ऐसी बात कही तो रुद्र के बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी उसे, समझ लगा? उर्वशी का बाहर आना बहुत जरूरी है। जैसे ही वो बाहर आएगी मैं उसे अपने साथ। उर्वशी को बाहर निकालने की सोचना भी मत, उसकी जो सही जगह है वहां पहुंच चुकी है। मेरे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन शंकर, उर्वशी अकेले नहीं है, उसके साथ रुद्र का बच्चा भी तो। अगर तुमने उसको बाहर निकाला ना तो या तो फिर उसको चुन लेना या फिर मुझे। कबीर कबीर कहाँ है तू? ओहो, मौके पे इसका फोन कभी नहीं लगता है। यहाँ मेरे रुद्र के बच्चे की तो किसी को फिक्र ही नहीं। काय करूं न्यता, काय करूं? उर्वशी को तो इस घर में लाकर रखना पड़ेगा। क्या उर्वशी को इस घर में वापस लाने का प्लान बना रही है? नहीं, मैं उस नागिन को इस घर में कभी वापस नहीं देख सकती। चाची जी, आपका सूप। वैसे चाची जी, मुझे नहीं लगता कि उर्वशी को वापस बुलाने का आपका डिसीजन सही है। एक्सीडेंट हो गया? डॉक्टर! 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 विनु! विनु! डॉक्टर! डॉक्टर! विनु! विनु, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप यहीं रुकिए, आप अंदर रोटी में नहीं आ सकती, जल्दी करो। कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चाचा जी, ये सब कैसे हुआ? वो पता नहीं, सिद्धि ने फोन किया, बोला कि विन का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे आके देखा तो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे। पापा जी कुछ भी करेंगे, विनु को बचा लीजिए। पापा जी, मुझसे गलती होगी, पापा जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक तू विन के साथ है ना, विन का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा विनु कैसा है? वो ठीक तो है ना? वैसे चाची जी, विन का तो एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत सीरियस है। अब वो ठीक हो गया तो सिद्धि इस घर में वापस आ जाएगी, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भी सिद्धि इस घर में वापस आ जाएगी, क्योंकि आखिर सब कुछ सिद्धि का ही तो होगा। अरे चाची जी, हवा का रुख समझिए। मैं तो कहती हूँ आप खुद जाइए सिद्धि को लेने वापस। अब वैसे भी उर्वशी का खेल तो खत्म हो चुका है और इस घर में उसे वैसे भी कोई पसंद नहीं करता। रुद्र के बच्चे को आप भूल जाइए, और जिस तरीके की वो लड़की है, मुझे नहीं लगता कि रुद्र का बच्चा इस दुनिया में आ भी पाएगा। कपड़ा
ये शब्द दोबारा अपने मुंह से निकाले था। अगर मेरे रुद्र के बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं इस पूरे घर को जला के राख कर दूंगी, समझ लगा? अब मैं उर्वशी को इस घर में लाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी मतलब कुछ भी। डॉक्टर साहब आप चुप क्यों हैं? पुनीर मेरा मीनू ठीक तो है ना? देखिए, I'm sorry but he's in coma. क्या इनका पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, वो एक साल पहले हुआ था। क्यों? शायद इसी की वजह से वो कोमा में चले गए। डॉक्टर अब क्या होगा? मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, हमने उनको बचा लिया है लेकिन उनके सर पे गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से ब्लड लॉस बहुत हुआ है। मैं आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं, पैरों पे चपराई गई थी, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं बड़े डॉक्टर को बुलाता हूँ। चाचा जी अब शांत हो जाइए। चाचा जी डॉक्टर अब इन कोमा से बाहर तो आ जाएगा ना? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उनके पहले एक्सीडेंट की वजह से खतरा थोड़ा बढ़ गया है। वो एक हफ्ते में भी ठीक हो सकते हैं और 10 साल भी लग सकते हैं। मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता लेकिन विन का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। इसी तरह विन का हाथ पकड़ के बिना बल के झपकाए बैठी हुई, क्या हालत हो गई सिद्धि की? मेरे ख्याल से इन दिनों को भी अकेले छोड़ देना चाहिए। चाचा जी आप कल रात से यहाँ हैं और राजवीर भी, आप लोग थक गए होंगे, आप लोग घर चले जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए और चाची जी को भी हौसला दे दीजिएगा, उन्हें आप लोगों की जरूरत है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अरे बेटा लेकिन सिद्धि। चाचा जी मैं ताई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो विन भैया को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। आप प्लीज घर जाइए और आराम कीजिए, अगर कुछ भी जरूरत होगा तो मैं कॉल कर दूंगी। ठीक है, ध्यान रखना, चल सिद्धि का ख्याल रखना। हाँ। मैंने बहुत कोशिश की बेटू कि मैं तुमसे सख्त रहूं, तुम्हें कभी माफ नहीं करूं क्योंकि तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई, मगर तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे मौजूद हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं है मेरा। अगर मैं तुम्हारी ढाल हूँ तो तुम मेरे तलवार हो वीनू, हम नहीं अलग हो सकते, कभी नहीं अलग हो सकते, कभी नहीं। तुम तो रा देरी ना देरी तुम तो
इशारा समझ गई पापा, मैं समझ गई मुझे अपने मीनू को कैसे बचाना है।